नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। 5 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और अब सिर्फ 2 चरण बाकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 2 चरणों के लिए प्रचार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्रचार अभियान पर रहेंगे। आज सबसे पहले पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के बस्ती पहुंचेंगे और बस्ती में दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो शाम बस्ती जाएंगे जहां पर 2:30 बजे पीएम मोदी जनसभा करेंगे। शाम को पीएम मोदी दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली के द्वारका में शाम 6 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए बीती रात सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान केजरीवाल और कन्हैया कुमार अलग अलग गाड़ियों में रोज सवार दिखे। रोड शो के दौरान केजरीवाल की कार आगे थी और ठीक उसके पीछे थी कन्हैया गाड़ी। हालांकि दोनों ही जोश में थे और फिजा में गीत संगीत का जोशीला मेरा रंग दे बसंती चोला घुला हुआ था, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं चुनावी जंग में बाल की खाल निकाले जाते हैं। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी को अगर ये गाना याद आने लगे कि फासले जो दरमियां थे वो अधूरे रह गए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। दिल्ली में राहुल और केजरीवाल की अब तक की साझा रैली नहीं होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल कन्हैया बीजेपी पर जमकर बरसे और कई सवाल उन्होंने दागे। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अभी जितने फेस हो चुके हैं उसमें 300 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है, बधाई हो उसको। उनको जो है चुनाव के परिणाम से पहले ही अगर मालूम है तो उनको बहुत बधाई हो। किसी भी देगा कन्हैया कुमार आप पर हमला भी होता है। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 300 सीट जीत रहे हैं, 400 सीट जीत रहे हैं, तो अपने अपोजिशन के ऊपर हमला क्यों करा रहे हैं? आप जो है अपोजिशन के कैंडिडेट को खरीद क्यों रहे हैं? डरा धमका करके अपनी पार्टी में शामिल क्यों करा रहे हैं? अगर आप जीत रहे हैं तो बेईमानी क्यों कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के लिए प्रचार किया और गडकरी ने विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त गिनाई, लेकिन कहा इसका श्रेय न तो मोदी जी को है और न ही मुझे। इसका श्रेय उस जनता को है जिसने मोदी जी और मुझे और मनोज तिवारी को चुना, नहीं तो ये विकास कार्य कहां से होते। बैठे हैं, अगर आप मनोज जी को चुनकर नहीं देते, अगर मोदी जी चुनकर नहीं आते, अगर मैं मंत्री नहीं बनता तो ये काम कहां से होते, ये आपके कारण हुए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़कर बीजेपी से एक बार फिर नाता जोड़ने वाले अरविंदर सिंह लवली आज बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लवली की बीजेपी में यह दूसरी पारी है, वो पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे लेकिन फिर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने अरविंदर की सियासी हैसियत देखकर सम्मान भी खूब लुटाया और उन्हें बीजेपी से आने पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमान दी थी, लेकिन लवली बीच चुनाव में एक बार फिर से पलटी उन्होंने मारी और कांग्रेस को मझधार में छोड़ा। अब लवली आज मनोज तिवारी के साथ एक बार फिर नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस में जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए और गिरफ्तार आरोपी विभव कुमार को मुंबई लेकर गई। पुलिस के मुताबिक विभव ने मारपीट के आरोपों के बाद से अपने आईफोन मोबाइल का डेटा फॉर्मेट कर दिया था जिसे रिट्रीव किया जाएगा। इस वारदात में मोटिव अब तक सामने नहीं आया है और पुलिस का मानना है कि आरोपी विभव के मोबाइल डेटा रिट्रीव होने से इस केस में बड़ा खुलासा हो सकता है। सभी सीसीटीवी उनकी डीवीआर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास में मौजूद सभी कर्मचारियों और सुरक्षा अधिकारियों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। विभव फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। 30,000 कोर्ट ने विभव को 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था जो शुक्रवार को खत्म होगी, लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी ने एलजी की चिट्ठी को लेकर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं और स्वाति मालीवाल का बीजेपी से उन्होंने कनेक्शन जोड़ा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कल हाईकोर्ट से झटका लगा। शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कल शाम को इसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज किए गए केस में जमानत की मांग की थी, लेकिन किसी को भी उनको राहत नहीं मिली। उल्टा दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केस शक्तियों के दुरुपयोग और जनता के भरोसों को तोड़ने वाला है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह तक कहा कि आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति बनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और रिश्वत भी आ सके। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने जानकारी दी है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ये बिल्कुल साफ है कि इस केस में
आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी जब अरविंद केजरीवाल जी के अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रही थी बार बार ईडी से यही पूछ रही थी कि आपने कैसे डिसाइड किया कि किस बयान को सही माने किस बयान को गलत माने, आपने ये कैसे कर लिया कि जो बयान आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पक्ष में है उसको आपने एविडेंस ही नहीं माना और जो उनके विरोध में है उसको शामिल कर लिया।